क्या है ये पूरा मामला बताएं। सर ऐसा है कि ये मेरे भाभी है तो उनको जो थोड़ा बहुत गले में दिक्कत आ रहा था तो आने पे मेरे भाई साहब जब डॉक्टर के पास लेके आया तो कहने लगा भाई दो चार दिन दवाई खिलाओ इनको थोड़ा नॉर्मल आ जाएगा। दवाई खिला के लेके आए, कहने लगा थोड़ा सा एक ऑपरेशन है दो घंटे के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, होश आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा दो घंटे के अंदर। अब दो घंटे के अंदर जब ऑपरेशन करवाने ले गया तब से जाके अभी होश ही नहीं आया। डॉक्टर कहने लगा नॉर्मल ऑपरेशन है कोई दिक्कत नहीं है। अब जब दो घंटे कल 11 बजे से लेके अभी तक दो घंटे इनके होश नहीं आया। अब दूसरा हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र करवाया गौतम में, गौतम कहने लगा नॉर्मल हो गया ऑपरेशन, अब कोई दिक्कत नहीं है ठीक ठाक हो जाएगा। अब दवाई मंगवाया तो दवाई भी तो हमने दे दी, एक पेटी भर के दिया दवाई, 14,000 का दवाई एक संग मंगवाया, फिर इंजेक्शन मंगवाया तो लास्ट में 4 बजे के करीब इन्होंने हमें बोल दिया कि ये डेड हो गया। किस तरह का आरोप लगाया आप लोगों ने? हमने इस वजह से आरोप लगाया कि अगर हमें डेड हो गया तो हमें तो कारण तो बताओ कि हाँ छोटा सा ऑपरेशन है, छोटा सा ऑपरेशन करने के बाद जाके अगर इंसान अगर डेड हो जाता है तो इसका तो हमें तो ये तो बताओ कि हाँ इस कारण से हो गया है। तो डॉक्टर अभी कोई जवाब नहीं दे रहा है। हमारा तो रोल इसमें बस इतना है कि भाई उन वेंटिलेटरी सपोर्ट चाहिए तो हम कैसे मना कर सकते किसी के प्रोवाइड, हाँ प्रोवाइड करना। हमारा उसमें कोई मोटो नहीं था, हमारा कोई ऐसा भी नहीं था कि हमने इनसे बहुत बड़ा पेमेंट ले लिया हो, है ना। अगर मोटो होता पेमेंट का तो हम कहते पेमेंट दो पहले तब हम अस्पताल में लेंगे, है ना। तो हमारा वो मोटो नहीं था, हमारा ये था कि अगर वेंटिलेटर से एक भी जान बचती है वो कैसी भी हो कहीं पे भी हो तो किसी को सड़क पे तो नहीं मारने देंगे ना, ना अस्पताल में जो सपोर्ट दिया जा सकता है वो देना चाहिए। तो इसलिए मैंने दिया एज अ ह्यूमैनिटी मैंने दिया कि भाई हम भी कोशिश कर देते हैं जितना वेंटिलेटरी सपोर्ट चाहिए वो सब हम दे देते हैं, अगर बच जाए लाइफ क्या बोलिए किसी की लाइफ बच जाए क्या बोलिए, तो इसलिए सपोर्ट किया। और दवाओं का रिएक्शन हो सकता है, दवाओं का रिएक्शन हो सकता है मौत की वजह? नहीं नहीं दवाओं का रिएक्शन नहीं हो सकता है। अब ये तो देखो एग्जैक्टली जो है ना किस कारण से हुआ क्या नहीं हुआ ये तो जो सर्जन है जो एनेस्थेटिस्ट हैं वो ही बता पाएंगे एग्जैक्टली कि वो वहाँ, क्योंकि हमें तो उस वहाँ की पिक्चर के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है।